आप सभी के लिए कि आज गली याद कुछ कि आज गली याद कुछ और रहता नहीं जानी पेप्सी थम सब ना कोको कोला माउंटेन ड्यू ना जानी भी रिंदा का होला चाहता रहा मैं तब सबके बीच में गा लेनु जरूर जरूर आशादी हमसे कई बारी भारी हम पानी ना नमस्कार। इसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हैं और बनारस में हम लोग आ चुके हैं और एक वीडियो काफ़ी वायरल चल रहा है, एक गीत जो कि रातों रात वायरल हो चुके हैं। झूलर दादा के नाम से प्रसिद्ध एक घूड़ा आदमी झूलर दादा के नाम से एक गाना में ही एक गाना गाते हैं रागिनी विश्वकर्मा के साथ और उसके बाद रातों रात वो वीडियो जो है कि वायरल हो जाता है और उनके यहाँ जो मीडिया वाले लोगों का जो है वो तांता लग जाता है और वहाँ पर जो इसमें इंटरव्यू देते देते थक जा रहे हैं, ऐसा इनकी कंडीशन बन चुकी है। तो देखिए इसी के अंदर इनका स्टूडियो है, जैसा कि लिखा है बिना आज्ञा के अंदर जाना मना है, तो हम भी आज्ञा लेकर के ही अंदर चलेंगे और उनके जो गीत हैं वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं, जो रागिनी विश्वकर्मा के साथ जो इनके गीत थे उसको भी हम आपको सुनाएंगे। तो बाकी आइए चलिए चलते हैं अंदर इस स्टूडियो के अंदर और बाकी जो भी बातें होती हैं हम उन्हीं से करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। आप जी वही गाना गा दीजिए जिस गाने से आप वायरल चले। हाँ, गाना गाने का प्रयास करूंगा मैं। वैसे तो दिन भर में ज्यादा इतने प्यार का टेबलेट मिल रहा है ना आप मीडिया भाइयों का कि थोड़ा वो मेरे को ज्यादा ओवर हो रहा है, ओवर एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, एक्टिविटी ज्यादा बढ़ रहा है, एनर्जी ठीक। हाँ, फिर भी मैं गाने का प्रयास करूंगा, इतनी तो है एनर्जी है मेरे अंदर, है ना। 70 साल उम्र हो गई, क्या गाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है रागनी जी, ये बोल रहे हैं कि 70 साल की उम्र है क्या गा पाएंगे, रागनी जी ही बताएंगे। मैं रागनी जी का कितना उम्र है? आप नहीं गा पाएंगे। आपका कितना उम्र है? नहीं बता दीजिए थोड़ा सा। लड़कियों की उम्र नहीं पूछा। अच्छा, कोई बात नहीं, फिलहाल वो तो आप तो नहीं गा पाएंगे। लड़कियों की कोई उम्र नहीं होती, उनकी कोई जाति नहीं होती दादा। वो तो औरत जो है ना गंगा समान होती है, गंगा समान पवित्र। तो मैं एक मजाक में गीत सुनाना चाहूंगा। कौन सा सुना दे? ये पहली बार के मिलना, पहले यही सुना दे, उसके बाद दूसरी गाना सुना दीजिए। और जो आपका वायरल न्यूज चैनल के भाई और सभी को तहे दिल से नमन वंदन करता हूँ। तो कहना है आप सभी के लिए कि आज गली याद कुछ कि आज गली याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद कि आज गली याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद रानी जी कि याद आने के पहले चले आइए। मीडिया भाई, इतना सारा माइक रख दिए हैं आप लोग कि आवाज एकदम बड़ा गूंज रहा है। कहना है रागिनी जी कि याद आने के पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद और फिर जाइए जाने जाने के बाद। रागिनी जी के तरफ से क्या आवाज आता है, उनको भी दीजिए थोड़ा सा माइक। क्या जोड़ी मिलता है कि नहीं? क्या जोड़ी कैसे मिलेगा? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अभी आप गाने के माध्यम से जवाब दीजिए अपने तरफ से। इनके पास जवाब ही नहीं। अरे माइक कैसे मांगेगा? माइक दीजिए, आप तो बूढ़े हैं दादा, ये जवान है। देखना मेरी रागिनी को किसी भी प्रकार की दृष्टि से, मतलब आप लोग ऐसा अनबल मत ताकिएगा। ना करो याद ना याद आओ, ना करो याद ना याद आओ, ओ मुझे मैं उसे भूल जाऊं, ओ मुझे मैं उसे भूल जाऊं।
मैं भोजपुरी ज्यादा गाते हैं, मैं भोजपुरी आप भोजपुरी से ही कुछ दादाजी के लिए आपका ये ना जाने पे उसी थम सब ना को को कोला मोंटन न्यू ना जाने भी रिंदा का होला चाहता में हरी के कोई जाती खुश हो पिया तो हम के ये राजा जी गन्ना के जूस हो पिया तो हम के ये राजा जी गन्ना के जूस हो ये चुए तार तार देह से पसे ना हो मन के तना डोलाई हम बे ना हो डट के जब बोली ले तो चला कहे रुस हो पिया तो हम के ये राजा जी गन्ना के जूस हो। देखिए बाबा ये गाना मेरा रिलीज होने वाला है फलवारी है सारे के गीत गाती हैं वो गा दीजिए गाते हैं ये गाना मेरा 6 तारीख को रिलीज होने वाला है तो आप सबके बीच में गा रही हूँ असादी हमसे कई बारी भारी हम पानी नाव में के नारी अभी आपके पास कुछ है जवाब उनका बाबा कोई जवाब दीजिए जवाब जवाब दीजिए जवाब ऐसा है कैसा है मेरा तो वो सब उम्र ही निकल गया है आजकल सेल्फी का जमाना है तमाम पापा की परियां पैदा हो रही हैं और जो टिकटॉक पे बाबा एक सवाल है मेरा जो टिकटॉक पे आधे कपड़े पहन के रील बनाती हैं उनको क्या कहिए क्योंकि समाज के कहीं ना कहीं बेटी बहन सभी लोग देख रहा है तो उनके लिए दो सब मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि जैसे कलाकार तो हैं जो मतलब कि जो संगीत होता है जो कला होती है वो जो अपनी तरफ एक खिंचाव होता है अट्रैक्शन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो कला है ये है लेकिन आज के इतने भाग दौड़ के जमाने में लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए मतलब ये क्या है सभ्यता मतलब हमारी कहाँ जा रही है संस्कृति कहाँ जा रही है जो आधा कपड़ा क्या अच्छा से पहन के नहीं बना सकती है बना अब देखिएगा तो देखने का इच्छा नहीं करेगा बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया जा रहा है रील पे याद आया विश्वकर्मा जी के रील पे याद आया कि जो गाना गाई है उस पे मैं चला गया तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ संदेश जाए मैं जितने भी हमारी बेटियां समान है जो बना रहे हैं मैं भी कभी कभी मोबाइल में देखता हूँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश में अराजकताएँ फैल रही हैं इससे होता क्या है जैसे एक मानसिक तौर से इंसान दिक्कत में आ जाता है ऐसी चीज़ों को देखता है तो तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है चिड़चिड़ापन लड़ाई करना एक निगेटिव अंदर सोच आ जाना और सारी क्षमताओं को नष्ट हो जाना इस ऐसी चीज को देखने से ऐसा होता है आपके अंदर जो एनर्जियां होती है ना खत्म होती है जो आप परिवार में लड़ाई कर लेते हैं रास्ता में चलते लड़ाई कर लेते हैं कट्टा बंदूक चल जाता तो इसका कारण यही है तो मैं अपने देश की बेटियों से जितनी भी हैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी कला को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता में रह के ही प्रदर्शित करें जी हाँ। बेटियां ही नहीं दादा बहुएं भी खुल खुल कर सामने आ रही हैं है ना उनको भी तो उसमें, एक ही समान उसमें जो औरत को बात के आप पतों के तो उसमें उनके आदमी का गलत है ना आप अगर जो मुझे नहीं पहनाएंगे तो हम कैसे पहनेंगे भाई
आप अगर जो हमको मना करेंगे तो हम तो नहीं करेंगे कोई भी काम, आपका इजाजत रहेगा तभी तो हम कर सकते हैं। रागिनी जी, आजकल YouTube पे भी काफी ब्लॉग बन रहा है और उसमें एकदम अश्लीलता परोसा जा रहा है, अश्लील वीडियो एकदम बनाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, मानती हूँ, बाकी आप उनमें से आप भी तो हो, अगर जो आप नहीं देखते तो रील नहीं रहता। अच्छा, ये बताइए YouTube पे पढ़ेगा तो कोई ना कोई तो देखेगा, बच्चे के हाथ में मिल गए, किसी के हाथ के बहन के हाथ में मिल गया तो वो तो देखेगा ना आएगा तो देखेगा। देखो जो चीज दिखता है वही चीज बिकता है, ठीक है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं भी गाती हूँ, मेरा गाना देख लीजिए। फिर भी ये गाना वायरल हुआ है, दादा ने इस गाने में कुछ भी नहीं दिखाया, फिर भी ये गाना वायरल हुआ है। मैं खुद गाती हूँ, मुझे खुद प्यार आशीर्वाद मिलता, मेरा आप लोग गाना सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो अच्छे गाने हमेशा आते हैं, आप तो कभी ऐसा सीन नहीं दिखाती है, उसके बाद भी आप फिट हैं। आप भी तो प्यार है। देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई ये नहीं निकाले हूँ, अपना अपना सोच के ऊपर है। और जो लोग अगर जो मैं आज गा रही हूँ सही, कल को मैं गलत गाऊँ तो जो पब्लिक डिमांड करेगी वही होगा। तो क्या आप समाज को दोषी ठहरा रही हैं? नहीं कि वो नहीं मैं, है? नहीं समाज को लोग बनाती हैं? नहीं, मैं समाज को तो दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, उन लोगों को भी बोल रही हूँ जो लोग बना रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए मानती हूँ। नियंत्रण किस पे रखना चाहिए, बनाने वाले पे या देखने वाले पे? नहीं, सबसे ज्यादा तो बनाने, मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखो आप दिखाएंगे रागिनी जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लोग देख रहे हैं तो मैं दिखा रहा हूँ, गलत बात है, ऐसा नहीं है। जो दिखाता है ना गलती उसकी है। अभी आप खड़े हैं तो मैं अभी कुछ ओपन जैसा कुछ हो जाऊं तो ऐसा तो नहीं करेंगे, आप देख ही लेंगे। बिल्कुल सही बात है, है ना? बिल्कुल, आप गंदगी में रहेंगे तो एक दिन कहेंगे कि पड्डू मार रहा है, फिर दूसरे कहेंगे कि पहले दिन कहेंगे ऐसे एक सेशन अरे यार बदबू मार रहा, दूसरे दिन कहेंगे बदबू मार रहा, तीसरे दिन कहेंगे बदबू आ रही है, फिर चौथे दिन कहेंगे ठीक है यार नींद लगी है सो जाते हैं। है ना जी, आपकी बातें सत्य है, लेकिन इसको सुधारा कैसे जा सकता है? हम ही पत्रकारों का वह कर्तव्य भी है इसको सुधारा जाए, और हम ही जनता का यह कर्तव्य है उसको सुधारा कैसे जाए, उसके लिए क्या कहना होगा आपका कि सुधारा कैसा जाए, इसमें सुधार कैसे आएगा? तो उसको सुधारने का यही मतलब है कि जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि कम से कम अपने घर के बहु बेटियों को ध्यान में रखा जाए, नियंत्रण में रखा जाए। जैसे समाज में क्या होता है ना, जैसे रागिनी बोली कि समाज को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा मैं समाज को दोषी ठहराऊँगा। इसमें कारण क्या होता है मालूम है? पहले एक समय ऐसा था जब बहु बेटियां स्कूल जाती थी ना, तो उनको कहा जाता था कि पढ़ी लिखी औरत मैला खाती है, हमारे देशी भाषा में बोला जाता था, ऐसा लोग कहते थे, मतलब इतना प्रचारित करते थे।